हेलो लोंडो, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनो जोन। गाइस आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे हम लोग के पहलवान मोबाइल गेम या फिर मेरे भाई हम लोगों की वही मॉन्स्टर लेजेंड्स गेम, जहाँ पर भाई क्या हुआ कि देखो बहुत दिनों से मैं बहुत परेशान था। हुआ क्या कि मेरे पास भाई यहाँ पर मिथिकल के अंडे बहुत सारे पड़े हुए थे, पर मेरे पास हैबिटेट नहीं था। तो मैंने भाई ज़रा आराम से तसल्ली से बैठकर चार मिथिकल के हैबिटेट बना लिए, जिनके बाद वैसे मस्त अंडे तोड़ेंगे और नए नए मिथिकल पोकेमोन निकालेंगे, मजा आ जाएगा। तो बिहेव सीनो बिहेव, ज़्यादा खुश नहीं होना है। देखो भाई अब एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली चलते हैं हम लोग के रैंक पुश मुकाबलों की तरफ। फर्स्ट हम लोग करेंगे यहाँ पे हम लोगों की चेस्ट की ओपनिंग, और चेस्ट की ओपनिंग को करने के बाद हम लोग पहले डायरेक्टली एक मिथिकल अंडा तोड़ेंगे भाई, क्योंकि क्या पता हम लोगों को कोई बढ़िया पोकेमोन मिल जाए, क्या पता, देख लेंगे। आ जाओ खोलते हैं यहाँ पे लास्ट चेस्ट, खुल जाओ सिमसम। अल्लाह भाई तो हो चुकी है हम लोगों की यहाँ पर चेस्ट तैयार, ठीक है। अब आओ जरा भाई पोकेमोन वोकेमोन खेले, जरा निकाले इसकी वैन का वधुका शिशु का। यहाँ पे टैप करते हैं, देखते हैं भाई आज कौन सा मॉन्स्टर हम लोगों को मिलेगा यहाँ पर। इसकी ऐसी की तैसी कैसा नाम है, अरे तेरी तो। ये कौन सा पोकेमोन है, ये है गंदा नाम वाला पोकेमोन। अरे भाई बहुत गंदा नाम है कुछ इस नाम से, इसका नाम कुछ इगुरु बुकी है भाई, इगोरी बुकी। अरे इसकी ऐसी की तैसी यार, ए भगवान वैसा जिंदगी में ऐसी की तैसी हो जाए, लेकिन वैसा इतने गंदे नाम भाई, कोई अपने बच्चे का रखना ले वैसा, इसके माँ बाप इसको बुलाते कैसे होंगे, मैं तो ये समझ नहीं आ रहा, बहुत ही गंभीर विषय है ये। खैर कोई बात नहीं, इसका लेवल है यहाँ पर 95 और हमारे पास ऑलरेडी ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो कि भाई लेवल 100 वाले। तो हम लोग अपनी ओल्ड रैंक पुश वाली डेक के साथ ही महायुद्ध का आरंभ करेंगे। ओहो ये कौन सा पोकेमोन है, साले एक तलवार में ही आधी हेल्थ चूज किया ब्रूसली के भैया, तेजी तो ऐसे नहीं मानेगा ये। चलिए भाई पिकाचू का हमला मारेंगे पहले तो हम लोग यहाँ पर, लेकिन उसने जो लगाई थी यहाँ पे ब्लीडिंग भाई, मुझको यहाँ पर वो भी रेंडराइज करना था, और साथ में इनका चूज किया मैं स्टैमिना, और ये लंबी लंबी मूछे वाला पांडा मुझे थोड़ा हरामी लग रहा है। क्या मारेगा भाई, क्या मारेगा, है तुम तेरे अंदर, सबके सब साले मेरे गांडीव धारी अर्जुन के पीछे पड़े हैं, ठंडा का है मेरा चप्पल का है, दिया जरा साले तेरी बहन छेड़ दी उसने, तेरे से कर्जा ले रखा है उसने, क्या चक्कर है, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, लगाई मैजिक की वीकनेस, बढ़ाया 30% स्टैमिना। अब देखते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, क्या मारेगा भाई, कुछ नहीं मार तो रहा है, लेकिन भैया अपनी लौड़िया भी छबीली लौड़िया है, मिस करवाई उसने यहाँ पर। अब सिचुएशन दोबारा भयंकर, क्योंकि मैं अब लगाने जाऊंगा यहाँ पर वन एंड ओनली पिकाचू के हमले, वरना मैं यहाँ पर कर्स भी लगा सकता हूँ। अब मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इनके सब कुछ मार दूँ, पर जब ये कर्स में डायरेक्टली मर जाएगा तो बाय बाय। अब बचे हैं बस ये दो तोते भाई साहब, खा पी के कचौड़ी देसी के इतने मोटे मोटे मुस्टंडे हो गए, मोटू खा खा के घर का खाना इतना मोटा हो रहा है, मम्मी घी दे दो, मम्मी बूरा चावल दे दो, साढ़े ना खावे सैलेड है, ना करा डाइटिंग, देख 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 देख, मोमोज खाऊंगा, चिली पोटैटो खाऊंगा, फ्राइड राइस मंचूरियन खाऊंगा ना मारे। पर एक चीज तो यार, तो ये वाला मॉन्स्टर आया वहां से बड़ा भयंकर सा लग रहा था, ये तलवार भी लेके आया था, पर आप लोग जानते हैं तलवार तो आपके जीने भाई के पास भी है, मतलब था कि तलवार से तो हम भी बहुत खेले हैं। ओए जीनो कौन से तलवार की बात कर रहा है, सनी बाजी कुछ नहीं कुछ नहीं, यार इसने तो आते स्विंग कर दिया यार, बड़े कुत्ती चीज है भाई साहब, साले क्या कर रहा है, इतना गुस्सा क्यों है भाई, क्या हो गया, थोड़े शांत वांत हो जाओ, थोड़ा पिकाचू का हमला खा लो ना। ओह ये भी मार सकते हैं यार, कंफ्यूजन हो गई थोड़ी सी यहाँ पर, कोई बात नहीं, पिका पे पिकाचू का बिचड़ी का हमला मारा और साथ में इनका स्टेमिना भी डाउन किया, ठीक है। अब बारी आएगी हम लोगों की भाई साहब पानी की देवी की, यानी कि एक्वामैन की बीवी की, और ये यहाँ पर सबका स्टैमिना चूस जाएगी इजीली, ठीक है।
अब दुश्मन के पास यहाँ पर स्टैमिना तो बचा नहीं है, तो कर वो क्या ही लेगी, यानी कि हम लोग इजीली जो है उसको मार पाएंगे। येलो हो चुकी है यहाँ पे हीलिंग भयंकर, डैमेज वैमेज बढ़ा रहा है, इसकी जियान का सुनिए मारो। अबे थोड़ी शर्म वरम कर ले यार, सोलह कितना बाबे, एक मिनट, अबे ये चक्कू है तलवार है, सोलह कौन क्या हथियार लेके आया है, तो काट देगा भाई सब कुछ मेरा, भैया माफ कर दो यार, अरे उसको मारना था। अबे क्या लेके आया ये, अरे कितना मोटा चक्कू है भाई। गाइस ये मत समझना आपका सिनेमा डर रहा है, नहीं हमारी तो रगों में शूट वीडियो का खून दौड़ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डर तो लगता है, इसके चक्कू का साइज देखो यार। आराम से जीनो, एक स्ट्रेटेजी बहुत आराम से लगानी पड़ेगी। हम लोग यहाँ पर इसको लगा सकते हैं किसी हरामी लौंडे के ऊपर, बिल्कुल आपके क्लास के बैक बेंच के भाई साहब, जिससे हरामी कोई नहीं होता। ले बेटे लाल छड़ी और लाल परी है, पापा की परी हो रहा है, कहते उड़ता जा रहा हवा के अंदर है, हवा में उड़ता जाए। अरे स्टैमिना लीक करवा रहा है, अरे ये चीज तो है, जैसे पता है आप लोगों को जो मॉन्स्टर लेजेंड गेम है भाई, इसके लिटरली हर एक महीने में अपडेट आता है गेम का, यानी कि डेवलपर्स जो हैं वो भाई भरपूर अपडेट्स ला रहे हैं, नए नए मॉन्स्टर लॉन्च करते जा रहे हैं, तो डेवलपर्स के ऊपर भाई साहब आप लोग शक नहीं कर सकते, काम एकदम चोखा कर रहे हैं हमारे लौंडे। आ जाओ भाई, अब यहाँ पे हम लोग तैयार है अपने बाणों के साथ, एक बाण लगाएंगे ऐसा जो फाड़ देगा दुश्मन की गाड़ी। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकालो, तो ये वाला गाना गा रहा था यार, अब तुम्हारा दिमाग गंदा है, तो भाई मेरे पर कोई नाम नहीं आएगा भाई साहब, मैं तो मासूम सा नन्ना सा प्यारा सा बच्चा हूँ यार। लो जी दिया हमने यहाँ पर डैमेज, और अब यहाँ पर समय आ चुका है कि मैं अपनी पूरी स्क्वाड को बचाऊं दुश्मनों के गंदे गंदे हमलों से सालों से। चल भाई समय आ चुका है, कर्स लगाओ। अब हो चुका है यहाँ पर एफ्रेड, यानी कि अभी बेचारा अपनी टर्न से हाथ धो बैठेगा, जैसे धोबी कपड़ों को धो देता है भाई साहब, उस तरीके से हम इसे कुत्ते की तरह मार लगा लगा के ऐसा धोएंगे इसकी बहन की, इसका भसुका शिजुआ कर दूंगा आज मैं एकदम। ले और चीता ही कह दे डाउन किया, अब बचा है बस वैसे मोटे मोटे नैने वाला। ओहो तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का लेगा चैन लगाया कर। और अब यहाँ पर अंडे मंडे शंडे खाने में खाऊंगा तले हुए मंडे, दिल कर रहा है, कोई बात नहीं मरने वाला है, मेगा टोंट मार रहा है। अबे इतनी सी हेल्थ के अंदर यार, मैं से कौन सी गाली तो गाली तो दे नहीं सकता ना मैं यहाँ पर। भग जाए यहाँ से, गुस्सा आ जाएगा, भग जाए यहाँ से। ये हुई ना बात, बस लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते चले भाई, भूलना नहीं है। आ जाओ यार तीसरा अंतिम रैंक पुश मुकाबला। ये कौन है, अबे जल्दी मैं चित देख रहा हूँ यार, ये हर बार दुश्मन की जो डेक आ रही है इसके अंदर एक ना एक लौंडा चक्कू लेके आ रहा है, ये चक्कू बाजे हो क्या चक्कर है भाई, क्या दिक्कत है हमें, चक्कू वक्कू ला रहे हो कैसे, अलग कैसे से लोग हो तुम, चीज क्या हो तुम्हें, चीज का जवाब तेरा कोई ना जवाब। चल भाई एक्वामैन की बीवी, मतलब एक्वामैन की सौतेली बीवी, मार दे फवारे पानी के, अब आएगा मजा। अब दुश्मन के पास यहाँ पे स्टेमिना ही नहीं बचा, अब देखते हैं क्या कर लेंगे। बस बच्चे इतना गुस्सा नहीं करते बुढ़ापे के अंदर, बस। अरे बे साले रीजनरेशन में तो भंगड़ा पा रहा, गिद्दा कर दिया यार। ओए सली बाजी कसम, ओए नाच कैसे रहा है, ये मौत का नंगा नाच है यहाँ पे, वैसे मौत के नंगे नाच में नाच तो सकता है जीनो, सनी पाजी बात तो ठीक है। हमने लगा दिया भाई यहाँ पे मैजिक की वीकनेस, अब देखते हैं क्या मारेगा ये ब्रेकिस्ट। ओ स्टैम, अरे भाई क्या मारे, बड़ी कुत्ते क्या जिस कोड़ा ये दुश्मन की यार, लगा कर साड़े के पहले से मारते हैं है, सोने के रेट सस्ते हो गए हैं क्या, इतना सोना पहन के आ गया है साले। ल बैठ हुआ फ्रेड हुआ, चलो भाई हमने मैं इसका स्टैमिना चूस लिया यहाँ पर, बिना स्टैमिना के कुछ कर नहीं सकता ये भाई, देखो गेम हो या रियल लाइफ, बिना स्टैमिना के आप कुछ कर नहीं सकते, कंट्रोल जीनो कंट्रोल है, मैं बस कर जाओ बुढ़े।
कंट्रोल जीनो कंट्रोल, बुजुर्गों की इज्जत करते हैं इसलिए उनको इतनी ऊंची आवाज है बोल नहीं सकते, कहीं हार्ट अटैक आ गया उनको तो। हरामी सीनो मोड हो गया मेरे यहाँ पर ऑन। ले ओ जी ए जी अ जी ल जी सुना जी, दुश्मन की ले लूंगा देखो जी जान जी, आओ इनकी। अरे फिर नाच साले, गाना मैं गा रहा हूँ, नाच हो रहा है यार, क्या कर रहा है ये बबलू जी, मैं क्या कर रहा है ये होला, बाहर से भोला अंदर से भैन का भैया। टर्न लो सर्वाजी उसमें मेरी यहाँ पर। अबे वो एक मिनट, अब यार अगर ये लोग बार बार ऐसे करवाते हैं रीजनरेशन तो ऐसे बात बनेगी नहीं। नहीं 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 ऐसे काम चलेगा नहीं दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। चलिए भाई सरूर के दोस्तों, समय आ चुका है यहाँ पे एक और कर्स लगाने का, क्योंकि आप लोग जानते हैं कर्स के आगे कोई बोल नहीं सकता, लेकिन साला ने टोंट लगा रखा है ना। ले ओ जी आइए साथ में हम लोग ये भी लगाएंगे, टोंट भी लग गया, मतलब कर्स लग गया, टोंट लग गया कह रहा हूँ, कर्स लग गया और उसकी यहाँ पे टर्न लॉस भी हो गई, ठीक है। यानी कि फिलहाल हम लोगों को इस गंदे मुंह की मछली से भाई कोई दिक्कत नहीं होगी, और बाय चांस अगर इस मछली ने अटैक किया तो भाई साहब सनी पाजे को बोल के इसके पकौड़े बनवा दूंगा। गांडेव धारी अर्जुन, यही समय है मैजिक की वीकनेस लगाने का, अब आएगा मसा देखना आप लोग। यहाँ पर क्या होता है कि जब आप लोग किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की लगाते हो वीकनेस, तो आपकी ओवरऑल स्कोर पर उसका फायदा होता है। तो हमारे यहाँ पर अगला जो पोकेमोन का अटैक है वहाँ पे हम लोगों को भाई काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। मार लो मार लो, कर लो तुम खेल कर लो, कोई बात मेरे एक हमले से ही तुम लोग मारे जाओगे। यहाँ पर एक तारीख को तुझे पता लगेगा कि भाई तुझसे लड़ने के लिए शहर में कोई मर्द आया है, दो तारीख को तेरे अंदर डर बैठेगा, तीन तारीख को तेरे घर पे मेरा पहला हमला आएगा, और चार तारीख को तेरा खेल खत्म। क्या पिक्चर थी यार, बचपन में जब लोग छोटे स्कूल से आते थे वैसे मामा मास चलती वैसे पैर से तूफान बना देता था इसकी बहन की वजह ही मजे। ले आओ जी अब बचा है बस यहाँ पे ये वाला सीन, मतलब ये करेक्टर सीन कह रहा भाई साहब, दिमाग में पिक्चर घूम रही है अभी भी। 47.4 के स्टैमिना गया, रिजनरेशन कर रहा है, शेर की दहाड़ बेटे सीनो की मार। चल भाई लौंडे पिका पे, इंद्रदेव से मांगी हुई बिजली की हमले, साथ में इसका स्टैमिना भी गया। अब यहाँ पर हमारे पास भाई डर का माहौल भी है और ये वाला हमला भी है। चलो जी ये गया यहाँ पर, और गांडीव धारी अर्जुन तो कुछ कुछ कर ही देगा। ले अब करी जनरेशन कर, करी जनरेशन। मम्मी अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा, सच्चा दिल पे ले गया मेरी बात को यार, क्या हो रहा है ये आजकल है, जिसको बात लेनी चाहिए दिल पे वो दिल पे ले नहीं रही, मैं मतलब खैर छोड़िए क्या बात करनी, एडिटर येलो पार्ट कट कर दिया साले, तेरी टांग तोड़ दूंगा। येलो भाई गाइस इट्स टाइम टू फिनिश दिस ब्रह्मास्त्र, डस्टेड एंड डिस्ट्रॉयड। ओपी ओपी बोलते दुश्मन की चड्डी खोलते, तालिया गाइस, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते चले, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं ट्रेजर केव की ओर, वही खजाने से भरी हुई ट्रेजर केव जहां पर मिलती हैं आप लोगों को सोने की चार मटकी भाई साहब, हीरे जवाहरात से जड़ी हुई। लेकिन आप लोगों को यहां पर सिर्फ मौका मिलता है इनमें से सिर्फ एक ही मटकी को चुनने का, तो आपका चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, संस्कृत की कसम। आ जाओ ले ओ जी ले ओ जी ले ओ जी। यार हम लोगों के स्कूल के टाइम में एक टीचर थी संस्कृत की भाई साहब, ठीक है। अब यार वो टीचर जो थी वो यार बड़ी खतरनाक टीचर थी भाई साहब, मतलब मैं क्या मतलब कुछ बोल दूंगा ज्यादा हो जाएगा तो आप लोग भी थोड़े फिर पर्सनल हो जाओगे, किसी ने भैया अपने स्कूल का नाम बताओ टीचर का नाम बताओ, तो ये सब मैं करना नहीं चाहता बंदा भाई साहब, आपके सिनेमा के पास ऐसे ऐसे करा रहे किससे कि मजे आ जाए। देखो भाई यही फायदा होता है जब आप लोग एक एवरेज स्टूडेंट होते हैं, मैं पढ़ाई में भाई ना ही ज़्यादा गंदा था ना ही ज़्यादा अच्छा था, मैं था एवरेज स्टूडेंट, तो भाई मैं पीछे वाले बच्चों से ही मजे करता था, और जो टॉपर थे भाई साहब मैं उनके साथ मजे करता था, तो मैंने हर तरह का जूस चखा हुआ है मेरे भाई,
और इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई पढ़ाई में आप लोगों को ना ही ज़्यादा गंदा होना चाहिए ना ही ज़्यादा अच्छा। देखो भाई गंदे होगे तो भाई आप तो बर्बाद ही हो, और ज़्यादा अच्छे होगे भाई सिर्फ पढ़ते ही रह जाओगे, बन जाओगे किताबी कीड़े। इसलिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है। सारे कहाँ से आ गया नेवड़े से मुँह के इसकी तो जादू के भाई। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आ जाओ डंजन चेक करते हैं। अबे यार डायमंड का इवेंट कोई आया ही नहीं हुआ यार, मैं खेलूंगा ही नहीं, मैं नहीं खेलूंगा भाई। डेवलपर्स डायमंड का इवेंट चाहिए मुझे हर बार डंजन तो ही खेलूंगा भाई मैं। हम लोग चलते हम लोग भाई पोकेमोन आइलैंड के अंदर आगे की तरफ, क्योंकि भाई बहुत सारे पोकेमोन आइलैंड हम लोग पार कर चुके हैं, बहुत सारे भी बचे भी हुए हैं। लाइट टाइप और पृथ्वी टाइप और साथ में मेटल टाइप, लाइट पृथ्वी मेटल यानी कि हम लोग के मैजिक टाइप के पोकेमोन्स इन लोगों को इजीली मार पाएंगे। तो आ जाओ तैयार करते हम लोग तुम्हारे तीन मॉन्स्टर्स की, तीन पोकेमोन्स की मैजिक टाइप की कैटेगरी के पोकेमोन्स। तीन फिनिक्स है, मॉलगन है, वाइट पैंडल भी आ सकता है यहाँ पर भाई, वरना हम लोग यहाँ पर ग्रैप्टर ले सकते हैं। ये ठीक रहेगा ना, क्योंकि इसके लेवल 75 है, 100 का तो फिर ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो गाइस, ये डेक ठीक रहेगी क्या लगता है? मतलब आज बता दो अपने दिल की बात, क्या है तुम्हारे दिल में? बॉलगन देखो स्टार किलर और ये तो कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ना, पर क्योंकि दुश्मन की दो डेक आ रही है, मतलब दो वेव आ रही है, तो हम लोग यहाँ पे इनको ले ही लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अबे ये तो एक ही बारी में मर रहे हैं, बताओ बच्चा है गंगरो बाबा मेरा मुन्ना है। नेक्स्ट वेव हम भाई सब, अबे महल भी सोने का बना रखा है, अबे साला अंबानी के बाप यही है क्या? इतना सोना बना रखा है भाई, इतना सोना कमाल कर रखा है, सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन। 3 स्टार तो आने ही थे, बढ़िया गाड़ी वाले चाचा एक बढ़िया सा रिवॉर्ड दे दे, वरना अगला बिच्छू का हमला तेरे मेन पॉइंट पे होगा। ओ इतना गोल्ड दे दिया भाई साहब, सोना ही सोना चल रहा है आज तो भाई साहब, इतना सोना ही सोना भाई साहब, क्या बात कर दी, मजे ही मजे। मेरी बॉस पोकेमोन आ गया, अब भाई ये पक्का स्ट्रांग होगा तो हम लोगों को फिर दोबारा यहाँ पर मैजिक कैटेगरी के अंदर बनाने पड़ेंगे अपने तीन पोकेमोन्स की स्क्वाड को। तो चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है, रुक जाओ। यार देखो हमारे पास ना एक लेजेंडरी पोकेमोन है ये वाला क्रिसेंड्रे, अब ये है लेवल 25 का और मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी पावर्स को चेकआउट करूँ, ठीक है? तो एक काम करते हैं, इसको मैं ज़रा सेलेक्ट करता हूँ, इसको हम लोग भाई थोड़ा खाना वाना खिलाते हैं, इसे विकसित करते हैं, इवॉल्व करते हैं इसको, और इसको लेवल 70 या 75 का रख के लाता हूँ, और फिर हम लोग आएंगे इसके साथ बैटल करने, ठीक है? अब लेजेंडरी हैबिटेट कहाँ पर है मेरे, तो मिथिकल है, ये नॉर्मल है, लेजेंड ये है, इसमें है क्या, ये रहा। चल भाई क्रिसेंडर खिलाओ इसको। तो भाई मैं यहाँ आता हूँ जरा एक कट, और हम लोग यहाँ पे इसको खिला पिला कर इसकी स्किल्स को चेंज कर लेते हैं। तब तक अपना लौंडा तैयार हो चुका है, और हम लोग यहाँ पर मिनी बॉस पोकेमोन से युद्ध की स्टार्टिंग कर सकते हैं। आ जाओ स्कॉट तैयार है मेरी। वैसे यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ग्रैप्टर भी मार देगा भाई, ग्रैप्टर भाई बहुत कुत्ती चीज़ है इस गेम में। आपकी एक से ज़्यादा कमीना, आपके मैथ के टीचर से ज़्यादा हरामी है यही है, और आपके कमीने डबल मुंह वाले दोगले स्टार से ज़्यादा हरामी भी यही है मेरे भाई। पर आ जाओ आइए स्क्वाड करेंगे हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी चिंच, भाई साहब वो एक ही हमले में मर रहे, फ़ायदा क्या है फिर, एक खेलेंगे खेलेंगे और एक हम लोग लेंगे का यहाँ पर क्रिसेंट रहिए, ये परफेक्ट स्क्वाड लड़ने के लिए। अब आ जाओ, अब देखते हैं कितना मजा आया था। चल भाई लौंडे दिखा दे, अरे तो अभी भी मर रहे हैं यार, रुक जा भाई सबके मार, ठीक है? बाजूका का शिजुका लो जी, क्या मारेगा ये, आधी हेल्थ चूस गया। स्ट्रांग तो है, स्ट्रांग है, पर कोई बात नहीं, आपका जीनो भाई भी भाई सब अल्ट्रा स्ट्रांग है सरी पाजी कसम, देखते क्या मारती है यहां पर ये। चल भाई पूरी स्क्वाड को ही स्टन कर दिया, वेरी गुड वेरी गुड भाई साहब, मारी छोरी किसी छोरे से कम है के 4.22 के 4.2, अबे साले सब सारे हमले जैसे ही मार रहा है तो यार, तो एक काम करते हैं ये मारते हैं, ठीक है? आपका बवंडर का हमला, क्योंकि इससे होगा इसका डैमेज डिक्रीज, मतलब हमारा बढ़ जाएगा, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, बढ़ गया हम लोगों का डैमेज। वाइट पांडा छोड़ दे भ्रमश्री अस्त्र का संधान कर, वो ले बेटे ले, और अब यहाँ पर करेंगे कहानी को खत्म।
ये देखो बेटा, अरे पृथ्वीराज चौहान की तलवार है। ये मजे आ गए, वो यही तो मजे हैं। तैयारी वाले चाचा, एक लास्ट बॉल है, एक बढ़िया सा प्यारे प्यारा सा रिवॉर्ड दे दे यार। भाई बहुत गोल्ड दे रहा, बहुत गोल्ड दे रहा है। वैसे कतई मुझे लगता है आज अंबानी से मतलब बराबर करके ही मिले, कुछ बराबर कर ही देगा आज। बिल्कुल यार, कमाल कर रहा है यार। तो गाइस, हम लोगों की भाई आज की एंजॉयमेंट होती है यहीं पर समाप्त आज के लिए। मतलब यार आप लोग जानते हैं भाई, हो चुका है यहाँ पे काफ़ी धुरंधर मैचेस। ऐसे ही आप लोगों को मैचेस फ्यूचर में मिलते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को भाई यहाँ पर लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, आपके जीनो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना है, मैं प्यार और सपोर्ट बरसाना है, बरसा दो भाई साहब। मतलब मैं चाहता हूँ कि आपके प्यार के सामने मैं रो लूँ यार। मतलब कि इतना प्यार करते हैं, मतलब यार पूछिए मुझे बटवा दो भाई साहब पूरे मोहल्ले में। मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में यार। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Everything you know that you could get.